up everyone, here Arjun is here with back again with new video. So everyone kaisa hai? So aaj ka hamara topic hai coronavirus hai but ghar pe kya kya karna chahiye aapko time pass mein. So I want to discuss that only. So maine abhi just shower kiya hai, abhi kuch 6 baj rahe hain, socha ki nah leta hu kyunki ghar pe baithe baithe bore ho jata hu. But मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मीन्स घर पे बैठे आप सब, वो तो मुझे पता है, आप सभी को भी पता है. सो हमको घर पे बैठे बैठे क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ. सो मैं आपको एक पहले मेरी जो मैंने मम्मी को हेल्प की है और जो मैंने डिश बनाई है, सो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे. मैं कुछ आपको मेरे टिप्स बताऊँगा जो मैं क्या क्या करता हूँ वो बताऊँगा, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ऐसे सब करो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे और देखो, फिर मैं बताऊंगा. ओके सो गाइस, हम लोग ने फ्रिज से अंडे निकाले और मैंने पहले प्याज काटा, फिर टमाटर, फिर मिर्ची. सो ये देख लो आप, ये ऐसे काटना चाहिए आपको. और ये तवा, ये तवे में अभी हम लोग ये बनाएंगे ऑमलेट पाव. सो अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे. ओके सो गाइज, हम लोग ने पैन में ऑयल डाल दिया है. सो गाइज, हम लोग ने इसमें ऑमलेट फोड़ के डाल चुके हैं, 3 अंडे डाल चुके हैं. सो आपको ये ऐसे तरीके से मिक्स करना होगा एकदम अच्छे से, क्योंकि अच्छा आपका ऑमलेट बनेगा. सो फिर एकदम अच्छे से मिक्सअप करना चाहिए आपको. ओके सो देन फिर आपको पैन पे डालना है, ऑयल डालने के बाद ऑमलेट डालने का अंडे. और ये देखो ऐसा दिख रहा है हमारा, और उसको पूरे तरीके से ये फैलाना है, फिर अच्छा मिक्स बनेगा आपका. और 5-6 मिनट के लिए आपको फ्राई होने देने का है. सो मैंने वो भी बनाया, अब देखो. और देखो कितने बढ़िया तरीके से मेरा दिख रहा है, ये मैंने बनाया खुद ने. अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा दिख लग रहा है आपको. सो आई थिंक इट्स नाइस, यू विल लव इट. हमारे एक साइड फ्राई हो चुका है अभी, हम लोग दूसरी साइड देखो, ये दूसरी साइड है हमारी. सो अच्छे तरीके से ही पक चुका ही है, ऐसा आपको पकाना है इसको. आप सभी को तो पता ही होगा बट मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ. सो देखो, और आपको पाव भी आपको ऐसा खोलना है और उसको पैन पे ऐसा फ्राई करने के लिए रखना है, तो फिर आपको खाने में एकदम बढ़िया लगेगा. और एकदम क्या बोलते हैं उसको, कुरकुरत रहता है ना, वो लगेगा आपको, मीन्स एकदम अच्छा लगेगा. मेरे पास बटर नहीं था बट बटर डाल देता था, क्योंकि दुकान बंद थे इसलिए मैं बटर नहीं डाल पाया. और एकदम अच्छे से इसको पकाना है पाव को, तो आपको खाते टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, इट विल बी वेरी नाइस टेस्ट. ओके सो हम लोग के पास टमाटो केचप था, सो मैंने एक टमाटो केचप भी ले लिया है. और अभी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, सो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके जस्ट 1 मिनट. हमारा ये डिश रेडी हो चुके हैं, 3 ऑमलेट, 4 पाव और टमाटो केचप. सो गाइस, आपको कैसे लगी जो मैंने बनाया था अंडा पाव, वो मुझे बहुत पसंद है और वो मेरी फेवरेट है. मैं उसको डेली बनाता हूँ, डेली मीन्स मॉर्निंग में बनाता हूँ और नाश्ते में खाता हूँ वगैरह. मैंने फ़ैन बंद किया है क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है और हमारा एसी का गैस ख़त्म हो चुका है, तो अभी कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि कर्फ्यू वगैरह चालू है. सो इसलिए बंद करता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो. और आपको कैसा लगा वो बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको कैसे लगा मैंने जो बनाया था अंडा पाव. मैंने पहले उसको कांदा, टमाटर, फिर मिर्ची पहले काट लिया अच्छे से. मैं आपको बताऊँ, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा बट मुझे आपसे पूछना है कि आपको देखने में कैसे लगा. सो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आगे आगे डिश. उसमें मैंने फिर मेरा फेस क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं नहाया नहीं था और बहुत मेसी हेयर हो गया था और बहुत चिपचिप हो गया था और ऑयली भी हो गया था फेस वगैरह, इसलिए मैंने दिखाया नहीं. सो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी और कैसी थी. और मैंने टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. बट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप घर पे ट्राई कीजिए. सो आगे देखते रहिए और मैं कुछ अच्छा अच्छा बोलूँगा. ओके प्लीज़ घर पे बैठे बैठे क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा.
पहली थी। मम्मी पापा के टाइम, मम्मी के पापा के साथ टाइम टाइम स्पेंड कीजिए, घर पे कुछ खेलिए, लूडो वगैरह वगैरह, और अपना हाउजी वगैरह मुंबई में बहुत खेलते हैं, अपना ताज खेलिए ऑनलाइन, घर पे कुछ भी कीजिए लेकिन बाहर मत जाइए, और घर साफ़ कीजिए, मम्मी और पापा के साथ टाइम अच्छे वाला स्पेंड कीजिए, उनके बारे में और थोड़ा जानिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके गर्लफ्रेंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए, टीवी देखिए, नेटफ्लिक्स ये सब कीजिए घर पे बैठे बैठे, और सबको हेल्प कीजिए तो उनका भी नेचर आपको समझेगा, उनको आपका नेचर समझेगा, ये सब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आई थिंक मुझे ये अपना हेयर को ये अपना ये करना चाहिए, क्या बोलते इसे, आई डोंट नो बट आई वांट टू डू दैट। सो गाइस प्लीज़ घर पे रहिए और अपने मम्मी पापा के टाइम, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे थोड़ा सा ना ये हो रहा है बोलने के लिए, लेकिन मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉगर बन के बताऊँगा आप सभी को, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं कुछ लिखा था अभी, वो बोल के याद करके ही मैं आया हूँ। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाहर मत निकलो, ओके, हाथ धो रोज बाथरूम के आने के बाद, किसी से मिलने के बाद सैनिटाइज़र ले लो, मैंने 3-4 वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन जब भी हमारे एरिया के जो लोग हैं, पब्लिक है, बार बार जा रही है, बार बार बाहर जा रही है, पुलिस उनको कितने बार आके गई है बट वो नहीं मान रहे, सो क्या कर सकते हैं। सो ये घर पे बैठ के टाइम पास वगैरह सब कुछ कीजिए, मम्मी पापा की हेल्प कीजिए, घर थोड़ा साफ कीजिए, और जो आपको अच्छा लगे वो घर में बैठे बैठे कीजिए। आपके पास बहुत है यार सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा है, पूरे साल निकल जाएंगे तो 21-20 दिन कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ आई थिंक 19 डेज आर रिमेनिंग। सो प्लीज़ अभी 2 दिन तो कैसे गए पता नहीं चला होगा, आपको बोल रहा था कि 2 दिन कैसे गए पता भी नहीं चला होगा। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा या और 19 दिन निकलना है, सब अच्छा ही जा रहा है, अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। ऐसा एक बाइबल में आई थिंक देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ती रहती है, सो उन्होंने बोला कि अपने महाराष्ट्र में नहीं आएगा, और महाराष्ट्र में मीन्स आया है बट वो ख़त्म होगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा जन को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने मेरे मम्मी से सुना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं बट आपको भी पता होगा या नहीं, मुझे जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो अपने घर पे ही रहिए, मम्मी पापा के टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बाल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वाइफ के साथ कीजिए, और सबके साथ हंस खेल के रहिए, ओके। सो देन मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप योर मॉम डैड हैप्पी एंड बी यू ऑल्सो हैप्पी, ओके। और मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना गाइस, प्लीज़ आप शेयर मोटिवेट, आप शेयर वगैरह करोगे तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूँगा। ये वीडियो मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि आपको घर में बैठे बैठे क्या करना चाहिए, मुझे मेरा फ़ोन थोड़ा और अच्छा होता ना तो मैं आपको लाइव बताता कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मेरा फ़ोन में थोड़ा ये फीचर्स नहीं अच्छे अच्छे, सो इसलिए बाकी कुछ नहीं, लेकिन आएगा स्लोली स्लोली। सो आप ही मीन्स सब्सक्राइब शेयर वगैरह करो, उधर ऑन होंगी मेरे से मनी, ऑन होगी यूट्यूब से, सो प्लीज़ गाइस शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव ही सोचना, चलो बाय, लव यू। ये मेरी टी शर्ट कैसी है मुझे बताओ, कैसी लग रही है, हाउ आई एम लुकिंग टेल मी ऑन कमेंट, ओके।